आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और भाई साहब आज मैं हूं दिल्ली में और आपको दिखाने लाया हूं एक बहुत ही ज्यादा यूनिक छोले कुलचे। यूनिक मैं कह रहा हूं क्योंकि भाई साहब ये एक्चुअल में यूनिक है। कुछ ऐसा डालते हैं इसमें जो कि अभी तक किसी ने नहीं डाला, ये मेरी गारंटी है। अब से शायद हो सकता है ये डालना शुरू कर दें। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज बहुत तड़कता भड़कता सीन है। भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। भैया मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इसमें क्या आप ऐसा खास करते हो कि लोगों ने मुझे बहुत दूर से बोला कि छोले कुलचे खाने हैं तो भैया के पास जनकपुरी जाना। हमारा खास ये है शाही पनीर कुलचा है ना, इसका नाम शाही पनीर कुलचा। अरे भैया क्या बात कर दी, शाही पनीर भी डालते हो इसमें? हाँ जी। वाह जी वाह, शाही पनीर जी, ये शाही पनीर की ग्रेवी है? हाँ जी। तो पहले आपने जीरा और अजवाइन डाली है? हाँ जी। और ऊपर आ गया जी प्याज टमाटर और शाही पनीर की ग्रेवी। और ये शाही पनीर की ग्रेवी में क्या क्या डालते हैं भैया आप? ये सारा मसाला पका हुआ होता है पनीर की ग्रेवी में। एक मैं तेज पत्ता देख रहा हूँ, वो थोड़ा तेजी से दिख गया ऊपर। तो शाही पनीर की ग्रेवी बना रखी है जी, उसको उसका तड़का लगाते हैं और नीचे सबसे पहले जीरा और अजवाइन, तेल के अंदर फिर प्याज टमाटर और भाई ऊपर से ये बढ़िया तेज पत्ते वाली ग्रेवी। तो भैया ये मतलब आप शाही पनीर वाले कुलचे कब से लगा रहे हैं? ये तो अभी 10 साल से शुरू करा है। 10 साल से? इसके पहले नॉर्मल? वो नॉर्मल चलता था। इसके पहले आप नॉर्मल लगाते थे, अभी ये शाही पनीर। तो मतलब किसी दिन होटल गए थे कहीं, आपने बोला यार शाही पनीर डालता हूँ, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसे चल गया दिमाग में। जी जी जी। और एक बार दिखाएंगे ग्रेवी निकाल के वो करछी से? अच्छा इधर ही है तो अपने तो पास ही है ये। ये देखो ये ग्रेवी है जी। ओ भाई इसमें तो धुआं बहुत आता है यार, बहुत बढ़िया स्टीम आ रही है, गरम है। एक बार आप एक करछी से निकाल के दिखाइए थोड़ा, तब मजा आएगा। ये देखो जी, ये है शाही पनीर की ग्रेवी जो इस तड़के में डालते हैं और बहुत ज्यादा स्वाद आता है। पहले आप तड़का रेडी करेंगे फिर चने आएंगे? हाँ जी डालो। और भैया यशपाल जी किसका नाम है? ये लड़के का नाम है। आपके बेटे का नाम है यशपाल जी? और ये किसने रखा नाम? ये उनके दादा ने रखा है। अच्छा, उनके दादा ने लड़के का नाम जी करके रख दिया है ऑलरेडी। ये उसी की दुकान है तो उसी के नाम से चलाएंगे। वाह, ये छोले आ गए। छोले में भी कुछ डालते हैं सर? चने में पानी में मसाला होता है। अच्छा, इसमें डाल के उबालते हैं? तो चने भी जो है जी, बोलिए आप। ये तो प्लेन छोले होते हैं। अच्छा, मसाला इधर था। अच्छा 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 अच्छा, वो आपने मिस कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, वो मैंने मिस कर दिया। बट इसमें जैसे पहले प्लेन बॉयल छोले लाते हैं आप, ऊपर से मसाला डालते हैं जब आप मिक्स करने वाले होते हैं। बढ़िया शाही पनीर की ग्रेवी है, उसकी वजह से ये एक तरह से कोरमा सा बन जाता है भाई छोलों के अंदर, और फिर तड़का जो है वो प्रिपेयर होता है। और भाई छींटे जो पड़ रहे हैं जान निकालते हैं भैया, क्या जबरदस्त। आपने इसीलिए पूरी फुल आर्म पहनी हुई है ना भैया? सही खेल गए। मैंने सुना है कोई आके अगर आपको बोले कि कुलचे प्लेन दे दो तो आप क्या जवाब देते हैं फिर? नहीं, आप वो तो आपकी वो चॉइस है। अच्छा, नहीं आप कहते नहीं है कि भैया प्लेन तो कहीं भी खा लोगे, यहाँ आए हो तो वही पनीर वाला। ये जीरा और ऊपर से ये आ गया जी हरिया धनिया। भैया जीरा था या गरम मसाला था? गरम मसाला। ऊपर से आया जी ये चुकंदर, ये पनीर ऊपर से। वाह, ये देखो ये ऊपर से भैया ये क्या चीज़ है? अच्छा हरी चटनी और नींबू का कॉम्बिनेशन है एकदम चटोरी करने के लिए। और भाई ये आपके छोले बन के तैयार, और ये इधर एक बर्तन में आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। अच्छा नाप की है, क्या बात है यार, नाप की है, क्या बात है यार। भैया वैसे आप कहाँ से हैं? यूपी बरेली। बरेली से हैं भाई? बरेली वाले वैसे ही कारीगर कलाकार होते हैं ना, सब तड़के भड़के सब बरेली वाले लगाते हैं, जबरदस्त वाले। तो ये सारी की सारी जो प्रेपरेशन आपके सामने करी है ये अब आ जाएगी जी इस बर्तन के अंदर, और इसी तवे के ऊपर फ्लेवर के साथ बनेंगे वो कुलचे। और कुलचे ना दिल्ली में आपको कुलचे नहीं मिलेंगे, मलाई मिलेगी। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मलाई मिलेगी, वो भी बताता हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो के चक्कर में छोले कह रहे हैं हम बाहर आएंगे। जो पहली प्लेट जाती है ना वो आदमी सबसे लकी होता है। भैया कुलचे भी मैंने सुना है कुछ स्पेशल वाले होते हैं आपके? सूजी कुलचा होता है। सूजी का कुलचा? और इसका प्राइस क्या है सर, रेट क्या है? प्राइस तो बहुत सस्ता है। कितना है सर? 40 के 3 पीस, 40 के 3। 40 रुपए के 3 पीस? भैया पूरी दिल्ली में मतलब कम से कम 60 रुपए रेट है, आप 40 के कैसे दे रहे हैं? बस लोगों का प्यार है। अच्छा, मुझे लगा जनकपुरी तक अभी महंगाई नहीं पहुँची शायद। महंगाई तो बहुत है। आ गई यहाँ पे? हाँ जी।
तो 40 रुपए में आप 3 कुलचे दे रहे साथ। ये मलाई दिखाइए जरा कुलचे की, एक बार सॉफ्टनेस दिखाइए। ये एकदम सॉफ्ट कुलचा है जी, एकदम जैसे कह लो के रुई की तरह है कुलचा। जी जी जी, एक बार एक थोड़ा फोल्ड करके दिखाएंगे। ये देखो एकदम रुई की तरह कुलचा है, और आप देख के समझ गए होंगे कि कितना सॉफ्ट ये रहता है। दिल्ली वाले कुलचे इनको हाफ काट लिया जाएगा, और अभी इसका जो तड़का आएगा वो भी आप देखना, बड़ा मजेदार है। ये देखो तेल के अंदर सीधा शाही पनीर की ग्रेवी, और भाई एकदम बढ़िया तड़कती भड़कती, वो जो अरोमा छोड़ रही है मजेदार। और अब एक एक करके पाव की तरह, जैसे पाव पे भाजी लगाई जाती है, वैसे कुलचों के ऊपर ये कोरमे की ग्रेवी या शाही पनीर की ग्रेवी जो है वो लगाई जाएगी। भैया कभी मलाई कोफ्ते वाला कुलचा भी सोचा आपने? सोचेंगे, वो ट्राई मारेंगे। अगर कभी ट्राई करना तो बताना, फिर हम दोबारा वीडियो बनाने आ जाएंगे। भैया अपना मलाई कोफ्ता जो है ना, उसकी ग्रेवी डाल के उसका भी मज़ा अलग से ले सकते हैं। ये ऑयल और आ गया जी, और साथ में वही ग्रेवी। और इधर देखो जो कुलचे ये गर्म हो रहे हैं ना, इनकी स्टीम के अंदर या जो इसकी गर्मी के अंदर, वो एक अलग ही स्वाद बन जाएगा, एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। अब ऐसे ही देखते देखते देखो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये शाही पनीर वाला कुलचा मुझे कब मिलेगा। भैया इसमें लहसुन का तड़का है, बड़ा जबरदस्त है ना। हाँ, सारा ही मसाला बना हुआ है ना। हाँ, मसाला बना हुआ है, बट लहसुन का जो एक अलग से अरोमा आ रहा है ना, वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखो जी, ये आ गया प्याज। अब कुलचे जो है वो उन्होंने घेर लिया प्याज को, और ये आ गया बीच में टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, और ये आया जी तेल। अब तेल के अंदर अच्छे से मसाले को बुझा लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, और ये कुलचे पलट दिए भैया। क्या बात है भाई, अब ये पलटना चालू। ये देखो प्याज टमाटर लेके साथ में, और ये ऊपर से ये गरम मसाला, भाई जबरदस्त। भाई ऊपर से ये मसाले और टमाटर और हरिया धनिया और चुकंदर, और ये आ गया जी पनीर। और भैया एक प्लेट लगा के दिखाइए जरा, कैसे प्लेट लगाते हैं 40 रुपए वाली। और देखो कुलचे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम जैसे कह लो रुई की तरह, एकदम नरम। नरमेस्ट वर्ड है ना, नरम बहुत बढ़िया वर्ड है इसके लिए। और ये ऊपर से और तड़का और ग्रेवी और मसाले, क्योंकि भाई ग्रेवी एंड पनीर एंड मसाले आर नेवर एनफ। ये हरिया धनिया, और ये साथ में चुकंदर और मिक्सिंग, और ये लग गई जी प्लेट। ये देखो एक प्लेट के अंदर 3 कुलचे, साथ में ये सब्जी या तड़का। प्लेटें लगाने का अंदाज, एक डिस्पोजेबल प्लेट के अंदर सारे के सारे कुलचे जो है मसाले के साथ इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और ये ऊपर से कवर करके ये हो गई जी पैक। और भैया एक प्लेट हमारे लिए भी दीजिए। ये देखो जी, ये आ गई आपकी प्लेट और कुलचे, और ये साथ में मसाला, और साथ में इधर से आएंगे जी ये, अच्छा और प्याज, क्या बात है। और साथ में ये छोले, ऊपर से ये हरी चटनी, और ये आ गई जी हरी मिर्ची, और ये प्लेट बन के तैयार। ये 40 रुपए की प्लेट है भाई। देखो भाई साहब, ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो देखो भाई, हरिया धनिया के लिए हरिया मिर्चियां, और साथ में ये जो ऊपर जमावड़ा किया है ना, ये पूरा तड़का लगाया है भाई, इतना जबरदस्त है। इधर दिखाओ भी, तड़का दिखा रहे हैं हम। ये जो जमावड़ा किया है ना, तड़का इतना जबरदस्त है कि भाई इसका अरोमा दूर दूर तक जाता है, मतलब काफी दूर तक। अगर यहाँ पे आप जैसे सामने मूवी देख के बाहर आ रहे हो, तो भाई एक बार यशपाल जी के छोले कुलचे खाने का जरूर मन कर जाएगा, क्योंकि अंदर मिलेंगे पॉपकॉर्न, बाहर मिलेंगे यशपाल जी के शाही पनीर वाले छोले कुलचे। तो आओ जी, तो आपको दिखाते हैं। इधर आओ, थोड़ा नीचे आओ, यहाँ से एक बाइट लेते हैं, शिज बाइट। और ये लिटरली मखमली कुलचा है यार, दिस इज लाइक सुपर सॉफ्ट। और ये हम चुकंदर वाला, ये पूरा जो तड़का बनाया है ये उठाते हैं इसमें, और थोड़ा सा पनीर एक्स्ट्रा डालते हैं, और साथ में भाई ये आ गए जी अपने छोले। ये छोले आ गए, ऊपर से ये आई जी हमारी बिल्डिंग। ऐसा जबरदस्त बिल्डिंग, ऊपर एंटीनास भी लगा दिया हमने। ये देखो केबल कनेक्शन बढ़िया आएगा। शिज बाइट, वाले आदेश करते हैं।
भाई देखो, जो छोले कुलचे हैं ना, इनका जो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जो शाही पनीर डाला है उसकी वजह से एक बड़ा मिठास आ गई इसमें। ये मसालेदार छोले एकदम नमकीन वाले, वो अचारी फ्लेवर्स वो सब नहीं है, ये मिठास वाले हैं, खटास वाले हैं और खड़े मसाले वाले हैं। जो खड़े मसाले शाही पनीर में डालते हैं, ये वही वाले मसाले इन्होंने अपने छोले कुलचे में डाले हुए हैं। और एक बड़ा ही डिफरेंट सा हेलो के एक डिफरेंट सा विब ग्योर जो है वो खुल गया है, या एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव आ गया छोले कुलचे में। दिल्ली में ना एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक तो मोमोज के साथ और एक छोले कुलचे के साथ होते हैं, और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं अप्रूव करता हूँ भाई। बहुत ही स्वाद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने ट्राई करें ऑलरेडी तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लगे। अगर आपने नहीं करें तो कमेंट करके ये बताना कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो जनक प्लाजा के सामने वाले यशपाल जी के छोले कुलचे। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी हरियाणा के जौंदा आजादे बाजार है, साडा पंजाब है, साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अनदर सुपर प्लेस दैट सेलिंग छोले कुलचे इन दिल्ली, और भाई कॉम्पिटिशन नहीं है बट वो भी बहुत मज़ेदार है, तो भाई ये देखो।